मुझे पता है इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लिक्विड कौन सी है? पीने का पानी, बारात में मिली फोकट की दारू, सांडे का तेल, तो फिर क्या एक्सपेंसिव है? छिपकली का मूत। एक इंसान के आंसू, आंसू जिसके अंदर सिर्फ 1% पानी होता है। ठीक है भाई, तू रो मत यार। और 99% फीलिंग्स, इसलिए किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना। अरे मत बहन के लोड़े, नहीं रेपट ऐसा चकबन्नाट मारूंगा टांगों के बीच से एक्सपेंसिव लिक्विड निकल जाएगा। बताओ यार, पहले तो जबरदस्ती कौन बनेगा करोड़पति खिलाता हूँ, ऊपर से चिल्ला चोट तो ऐसे कर रहा जैसे जैसे दिवाली के फटाके फोड़ दिए मैंने इसके मादरचोद। नमस्कार, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच यार पिछले वाले वीडियो के लिए, क्या रिस्पॉन्स मिला उसमें। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 2K व्यूज आ जाएंगे उसमें, सो थैंक यू वेरी मच यार। और मैंने एक चीज़ भी देखी उसमें, 89% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। क्या करो यार, जल्दी से सब्सक्राइब मारो, फ्री है बिल्कुल। नीचे लाल कलर का बटन है, उसको जाके फोड़ दो। तो खैर, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले एक महाज्ञानी अंतर्यामी मोटिवेटर की, जो कि तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं। ये क्या है कप? मान लो इस कप के अंदर है चाय और किसी ने सडनली आके दिया मुझे धक्का, तो क्या होगा? चाय गिर जाएगी, चाय नीचे गिर जाएगी। लेकिन अब ध्यान से सोच के बताना, ये चाय नीचे गिरी क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे धक्का दिया इसलिए, या क्योंकि इसके अंदर चाय थी इसलिए? आपको धक्का दिया इसलिए, चाय इसलिए गिरी क्योंकि इसके अंदर चाय थी, कुछ समझे? चाय ही मत पियो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर कोई तुम्हें धक्का देकर तुम्हारी चाय गिरा देता है तो उसमें गलती धक्का देने वाले की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना 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 ना, गलती है चाय की, चाय को कप में होना ही नहीं चाहिए था। जी हाँ, यही है आज के हमारे महाज्ञानी गुरु मोटिवेटर कुलदीप सिंह घानिया, जो कि फुल टाइम में गुलाबी ज्ञान चोते हैं और पार्ट टाइम में ये गुरु जी का धंधा करते हैं। तो अगर तुम्हें भी लाइफ में कोई गुरु चाहिए तो इनसे कॉन्टेक्ट करो। इन गुरुओं का ज्ञान लेते टाइम तुम्हारी छाती फूल के 36 की हो जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तब सारी हवा गांड से निकल जाती है। और मास्टर जी कैसे हो? एक नया सूट सिलवाना था ब्लैक कलर का। ठीक है, आप नाप दे दीजिए। अरे अभी 6 महीने पहले तो आपने सिलाया सूट, तब लिया तो था नाप, आज भी वही नाप है, सब सूट सिल दो। फिर भी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, आप नाप दे दीजिए। कुछ समझे? जब एक दर्जी के पास आप जाते हैं 6 महीने बाद भी, वो वापस से आपकी बॉडी का नाप लेता है, सिर्फ इस चक्कर में कि क्या पता आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हो। तो फिर जब हम किसी ऐसे इंसान के साथ मिलते हैं जिसने 6 महीने या साल भर पहले हमारे साथ कुछ बुरा किया, तो आज भी हम उसे पुराने नाप से क्यों मिलते हैं, पुराने नजरिए से क्यों देखते हैं? एक बार नए नजरिए से देख के देखिए, नए तरीके से नाप के तो देखिए, क्या पता उस इंसान के अंदर भी कुछ चेंजेस आ गए हो। इसकी मोटिवेशन गांडे मूड़ा भांगने जैसी है। नहीं, क्या मतलब नए नजरिए से देखो? विजय माल्या को फिर से लोन दे दे क्या? क्या पता शायद उस इंसान में कुछ चेंजेस आ गए हो। वैसे गांडे मूड़ा भांगना एक गुजराती कहावत है जिसका मतलब होता है फंस जाना या फिर ना कर का ना काट का। भैया, मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन जो हमारी लव लाइफ है ना, वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसका मुझमें से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। घर पे कपड़े कैसे पहनते? मतलब वर्क फ्रॉम होम है ना तेरा, पूरे दिन घर पे ही रहता है। हाँ। वो घर पे कपड़े कैसे पहनता है? कैसे पुराने ill-fitted, faded, कुछ भी पहन लेता है, ऐसे मिकी माउस जैसी शक्ल के कपड़े या फिर कुछ और पहनता है, यही पहनता है। हाँ। तो फिर लव लाइफ तो खराब ही होगी ना भाई। आई डोंट नो, ये इजाद किसने किया है कि आप घर पे हो तो आप कुछ भी पहन सकते हो? अरे घर का भी एक आउटफिट होता है, आप ऐसे कुछ भी नहीं पहन सकते। घर में ही फैशन शो खोल दे, इसके पास कौन से ऐसे कपड़े है जो लव लाइफ ठीक कर देते? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसके पास तुम्हें सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। तूने केकड़ा और समुद्र की कहानी सुनी है? नहीं। अरे बड़े मजेदार कहानी है, उसमें केकड़ा और समुद्र दोनों दोस्त होते हैं। केकड़े को क्या, समुद्र के किनारे चलने की आदत होती है। जब भी केकड़ा चलता है वो अपने पांव के निशान पीछे छोड़ता हुआ जाता है, देख के बड़ा खुश होता है, मेरे पांव के निशान। थोड़ी दूर चलता है, समुद्र की एक लहर आती है उसके सारे पांव के निशान मिटा देती है। केकड़ा देख के बड़ा दुखी होता है, समुद्र से कहता है, यार तू कैसा दोस्त है, ये तेरी दोस्ती, मेरे सारे पांव के निशान तू मिटा देता है, मेरे को पांव के निशान देख के कितनी खुशी होती है। समुद्र पता है क्या कहता है? क्या? वो देख मछुआरे वहाँ पे वो केकड़े पकड़ रहे हैं ऐसे पाँव के निशान देख देख के, आज अगर मैं तेरे पाँव के निशान नहीं मिटाता ना तो अभी तक तेरे को पकड़ के मार डालते हैं, कुछ समझा? क्या? अक्सर हमारे घर वाले कोई बड़े बुजुर्ग हमें जब कोई ज्ञान की बातें कहते हैं, कोई ज्ञान समझाते हैं ना, या कोई समझदारी की बातें करते हैं, उस समय वो ज्ञान लगता है, यार ज्ञान मत दिया करो। लेकिन आगे चल के जब जिंदगी हमें वो बात समझाती है ना, तो हमें सारी बातें सही लगती है घर वालों की।
लेकिन पता है क्या, जब हमें घर वाले वो बात समझाए ना, तभी हम समझ जाए तो सही है, क्योंकि अक्सर जब जिंदगी समझाती है ना, तब तक बहुत लेट हो जाती है। एक बार को रिजल्ट के टाइम पे इंजीनियरिंग करने की सलाह देने वाले रिलेटिव का ज्ञान ले लेना, लेकिन इसका ज्ञान मत लियो, ना घर के रहोगे ना काट के, फिर लटकोगे इसके चाट पे। अरे भाई ये तो राइमिंग हो गया। अरे भैया आज ब्रीफकेस कहाँ से लिया है? मार्केट से कमाए थे 1.5 पेटी वो है। अरे वाह, तूने इन्वेस्ट किया अभी तक मार्केट में? अरे कहाँ भैया, ये सुनने में और देखने में अच्छा लगता है पर करने में बड़ा रिस्की है। वो देख, वो लोग इतनी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के साफ कर रहे हैं, इजी है कि रिस्की है? रिस्की है भैया, बहुत काफ़ी हाइट है इसकी। वो पुलिस वाला वहाँ खड़ा है, पूरे दिन खड़ा रहता है, कभी भी आगे कोई भी कुछ भी कर जाए, इजी है कि रिस्की है? रिस्की है। तो मेरे भाई रिस्की क्या नहीं है, ये भी रिस्की है, वो भी रिस्की है, वो भी रिस्की है, इस दुनिया में सारे ही काम में रिस्क है, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? ये नहीं करूँगा, इसमें ये रिस्क है, वो नहीं करूँगा, वो रिस्क है, अरे हर काम में रिस्क है भाई, आगे तो बढ़, कदम तो आगे बढ़ा, कदम बढ़ाएगा तब जाके वो तेरा डर जो है वो खत्म करेंगे, बैठा रहेगा एक जगह, आज ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, बैठा रहे जिंदगी भर, रिस्क से इश्क करना सीख मेरी जान, तब जाके कहीं जीवन में ग्रोथ आएगी, ऐसे बैठे बैठे कम्फर्ट जोन में बैठे बैठे ग्रोथ नहीं मिलती है। ले तेरे लिए लाया था। स्कैम 1992 देखने के बाद मैं भी बहुत मोटिवेट हुआ था, लेकिन लास्ट में याद है ना क्या हुआ था? गांड फाटी ने भोगाओ। इस गुलाबी गांडू की चैनल गेटिंग ओवर इट के टकले जैसी है, कहीं पर भी गांड टिकती ही नहीं है, कभी ये गुलाबी ज्ञान चोदेगा, कभी अपने एक्स के लिए एटीट्यूड वीडियोस बनाएगा, तो कभी किसी और लड़के के साथ वीडियो बनाएगा। अबे करना क्या चाहते हो चैनल पे, एक जगह पे गांड टिका लेना। ये पिज्जा भी कितनी कमाल की चीज है ना। कैसे आता है? एक स्क्वायर बॉक्स में होता गोल है और जब आप इसका एक पीस निकाल के खाते हो तो वो एक ट्रायंगल होता है। कुछ समझे क्या? गांड टिका के पिज्जा खाओ, हर जगह गुलाबी क्यान चोदना जरूरी नहीं होता, वरना पिज्जा बॉय गांड मार लेगा। जिंदगी में अक्सर आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो इस पिज्जा की तरह होंगे, होंगे कुछ और, दिखेगा कुछ और, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तो कुछ और ही निकलेंगे। क्यों अब नहीं देखना नए नजरिए से? रामी मानुस दो दिल में पलट गया, वाह। लो भी आपका फोन। अरे हो गया काम? हाँ हाँ, चल बढ़िया। ये लाइन कैसे आ गई यार इसमें? अरे वो ले जाते वक्त गिर गया था। गिर गया था? अबे अरे भैया छोटी सी तो लाइन है। बात छोटी सी लाइन की नहीं है यार, बात केयर की। अभी थोड़ी देर पहले तो ये 1.5 पेटी दान कर दी थी इसने, अब एक फोन खराब हो गया तो इसकी गांड फट गई बहन चोद, रिस्क से इश्क करेंगे ये चोदे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भैया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? यार इंडिपेंडेंस डे तो मना लिया, लेकिन क्या सच में हम इंडिपेंडेंट हुए भी हैं? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, 75 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस हुए। 75 इयर्स देश को आजाद हुए, मैं हम सब लोगों की बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि मान ले तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, तूने उसको एक मैसेज भेजा, उसने 2 दिन तक उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तेरे अंदर आ रहा है गुस्सा, तेरे अंदर आ रहा है फ्रस्ट्रेशन कि इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। अब क्या तेरी खुशी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है उस लड़की के एक मैसेज पे? क्या बोला तूने? एक और सिचुएशन लेते हैं, मान ले तूने कोई एग्जाम दिया, रिजल्ट तेरे फेवर में नहीं आया, मान ले तू फेल हो गया, अब क्या तेरी खुशी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है उस एक पीस ऑफ पेपर पे? क्योंकि ऐसी लाखों सर्कमस्टेंसेस डेली बेस पे हमारे चारों तरफ हैं, जहां पे हमारी खुशी डिपेंडेंट है उन सर्कमस्टेंसेस पे, उन सिचुएशन पे, कि सिचुएशन हमारे हिसाब से होंगी तो हम खुश होंगे, सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होंगी तो हम खुश नहीं रहेंगे। तो क्या हम सच में इंडिपेंडेंटली खुश जीवन बिता पा रहे हैं? देश तो आजाद हो गया, बारी है हम सबको अपने सिचुएशंस को, अपनी खुशी को इंडिपेंडेंट करने की। ये क्या लॉजिक है बहन चोद, लड़की का मैसेज का वेट कर रहे हो तो तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, क्या चूतिया मोटिवेशन है बहन चोद, उल्टा मेरे डिप्रेशन हो गया। आप लोगों ने लाइफ में कभी एक तोता देखा है? आई एम श्योर देखा ही होगा, लेकिन अगली बार जब आप एक तोते को देखे तो एक बहुत अमेजिंग चीज नोटिस करिएगा, वो ये कि ये तोता जो है ना, ये बोलता बहुत है, चे चे पे पे कह के करता ही रहेगा, चाहे आपके आसपास हो चाहे कहीं और हो, आपको पता चल जाएगा कि तोता आसपास है। वही एक दूसरा पक्षी है, नाम है ईगल, उसको आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास है, इतना साइलेंट रह के वो हवा में उड़ता रहता है। अब मजे की बात ये, ये जो तोता जो है, ये जो बोलता बहुत है, ये हवा में कुछ खास नहीं कर पाता, ज्यादा हाइट पे नहीं उड़ पाता। वही जो दूसरा पक्षी है ईगल, वो एकदम साइलेंट रहता है और बादलों से ऊपर की भी उड़ान भर लेता है। मैं आपको एक बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो तोता है, इसी की तरह हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग भी हैं जो इस तोते की तरह वो सिर्फ बोलते रहेंगे, मैं लाइफ में ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं यहाँ चला जाऊंगा, मैं ये फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्यों कर लूंगा, लेकिन इन दी एंड जब आप उनका लाइफ स्पैन देखते हैं कुछ खास नहीं कर पाते। कुछ समझे? तुम लोग के आसपास भी एक तोता है लेकिन तुमको वो दिखेगा नहीं। अच्छा चलो मैं ही दिखा देता हूँ, क्यों है ना रिलेटेबल?
तो चलो लाइक मारो जल्दी से। तो खैर आज के मोटिवेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो के लिए हमें एम करते हैं 30 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक्स मार दो। 30 लाइक्स करने मोबाइल फोड़ना पड़े, फॉलो दबाओ फॉलो। तुम लोग लाइक नहीं करते, फॉलो नहीं करते, क्या कर रहे हो साला? मोबाइल फोड़ो, ये इससे अपना मोबाइल फोड़ दो, फॉलो करो फॉलो, वरना इससे तुम लोगों का टाल फोड़ डालो।